डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, सीनियर साइंटिस्ट मौसम केंद्र भोपाल। जैसा कि पिछले 24 घंटों में जो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा के आसपास कुछ चक्रवाती घेरे सक्रिय थे, और उसी के चलते हुए मध्य प्रदेश के कई जिलों पे अच्छी बारिश हुई है, जिसमें अशोकनगर में मुंगावली में सबसे ज्यादा 110 मिलीमीटर, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में लगभग 15 जगहों पर भारी वर्षा वाले 6 से 7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। अभी फिलहाल आप सैटेलाइट वेव्स में देखें तो जो सेंट्रल पाकिस्तान है वहां पे एक चक्रवाती घेरा सक्रिय है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी एक फीवर चक्रवाती परिचर्चना सक्रिय है, और साथ में झारखंड के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण जिससे हो गई है, तो पूरा पश्चिम ट्रफ लाइन जा रही है। साथ में आप यहाँ पे अरेबियन सी के नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में भी क्लाउडीनेस देख सकते हैं। यहाँ से भी एक ट्रफ लाइन जो मध्य प्रदेश के ऊपर जो मध्य क्षोभ मंडल में एक चक्रवाती घेरा, यहाँ से यहाँ तक एक ट्रफ लाइन है, जिसके कारण ये क्लाउडीनेस का जो लाइन है वहाँ पे आपको दिख रहा है। और अभी फिलहाल आप करंट सिचुएशन देखें तो रीवा, शहडोल, जबलपुर संभाग कई जगह पे क्लाउडीनेस है, बादल है, हल्के से मध्यम वर्षा चल रही है, लाइटनिंग हो रही है। वहीं पर ग्वालियर चंबल संभाग में भी कुछ छिट्टी उठी है, जबकि प्रदेश के शेष हिस्सों में हल्की वर्षा जारी है। इन सभी परिस्थितियों के चलते हुए आगामी 5 दिनों का अगर हम पूर्वानुमान देखें तो आप देख सकते हैं आज उज्जैन संभाग में, सागर संभाग में, जबलपुर संभाग में और लगे हुए जो ग्वालियर संभाग के हिस्से हैं, यहाँ पे कहीं कहीं पे भारी वर्षा माने 6 से 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हो सकती है, जबकि शेष सभी जगहों पे गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा कहीं कहीं पर जारी रहेगी। 24 घंटे बाद की परिस्थितियां देखें तो वर्षा की गतिविधि में थोड़ी कमी आई, क्योंकि कोई भी एक्टिव सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चूंकि नमी बरकरार है, वहां पे थंडर स्टॉर्म, हल्की धूप निकलने के साथ वज्रपात होने की संभावना, ये आपका 1 जुलाई और 2 जुलाई और 3 जुलाई को ये कंडीशन रहेगी। हालांकि 3 जुलाई से फिर से एक बार जो पूर्वी बंगाल की खाड़ी है वहां पे कुछ एक्टिविटीज डेवलप होगी, और उस सक्रियता के चलते हुए जो ट्रफ लाइन थोड़ा स्ट्रांग होगी, पर यहाँ पे आप देख सकते हैं जबलपुर संभाग और नीमच संभाग के कुछ जिलों में, जैसे मैहर, जबलपुर, मंडला, डिंडौरी, यहाँ पे 72 घंटे बाद अच्छी बारिश होने के 12 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश हो सकती है, जबकि इनसे लगे हुए दूसरे जिले जिसमें भोपाल संभाग, सागर संभाग, ग्वालियर संभाग, जबलपुर संभाग और कुछ जिले इंदौर संभाग, इनमें भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं पर अगर हम 4 दिन बाद की परिस्थिति देखें 4 जुलाई को, तो सागर संभाग में जो आपका बुंदेलखंड हिस्सा है, जहाँ पे कई जगह पे अति भारी वर्षा, सागर, छतरपुर, पन्ना, मैहर, जबकि दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में भी सिवनी, बालाघाट, जहाँ पे भी अच्छी बारिश, मध्यम से भारी वर्षा, कहीं कहीं अति भारी वर्षा, जबकि प्रदेश के दूसरे मध्यम दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में यहाँ पे भारी वर्षा होने की संभावना बनी रहेगी। अभी फिलहाल अगर हम पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश में सामान्य से थोड़ा कम बारिश हुई है, 28%, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सामान्य से 7% बारिश ज्यादा हुई है, और पूरे प्रदेश की बात करें तो सामान्य से 20% वर्षा कम है। लेकिन ये इसमें कोई भी वैसे नेगेटिव फैक्ट नहीं है, अभी आने वाले 4-5 दिनों में पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश होने के आसार है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जुलाई 15 तक परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर बारिश होती रहेगी और कृषि के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी। धन्यवाद।